एक बार की बात थो पायो, एक मठाधीश व्या करतो, उन्हें बड़े तरीके अपनायो इंसान ने जान देने को, पर कोई कामयाब को नहीं। फिर लास्ट में बोलो एक काम करो पायो के मौन धारण कर लो। जो मौन धारण करो उसने ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान को नहीं प्राप्त हो किसो ने। अरे कोई आदमी बोलेगा तो 10 साल में एक बार बोलेगा, दो ही शब्द बोलेगो। क्या शब्द बोलेगो भाइयो? दो शब्द, सिर्फ दो शब्द बोलेगो भाई। करतो करतो 10 साल बीत गयो, एक शिष्य का टाइम आयो। जब टाइम आयो गुरु जी के सामने आयो, बोले हाँ भाई इशारो तो बोलो, बोल। कहने लगे गंदा खाना। गुरुजी ने भी कह रहे सर ला दियो भी, हाँ मैं कि हाँ ठीक है, पर बोलनो इतना ही तो उसने फालतू बोलने ही नहीं थो ना। फिर बेचारा मौन धारण कर लियो, 10 साल फिर हो गयो। फिर आया 2 साल के बाद, 10 साल पूरे होते गुरुजी ने बोले हाँ बोल दो शब्द। तो शिष्य कहने लगे कि बिस्तर कठोर है, कि कहो कि बिस्तर कठोर। गुरुजी ने फिर गर्दन हिला दी, हां पर गुरुजी ने ब्याह 10 साल बाद बोलने को। करते करते 10 साल और काट दे पायो। 10 साल बाद फिर आयो, फिर इशारा करे बोल दो शब्द। कहने लगा नहीं होगो। के बोलो अगर नहीं होगो तो गुरुजी कहने लगे जानता हूं। अरे फिर कहने लगे कि जाना है, बोला भाई जा, बोले जाना है, बोले जा। जब वो चले गए गुरुजी ने बैठ कर सोचो कि जो इंसान 30 साल, क्या साल, 30 साल में सिर्फ 6 शब्द बोलो, सिर्फ क्या बोलो, 6 शब्द बोलो, और उस 6 शब्द में भी उसकी शिकायत थी 6 शब्दों में। जब जिस आदमी की शिकायत पूरी को नहीं होगी तो ज्ञान कहां से प्राप्त कर लेगो इंसान, कर लेगो नहीं। अरे कर लेगो के 30 साल लगा के भी इंसान अगर शिकायत करेगा तो भाई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा।